देखिए, आज हम अमेरिकन ट्रूस्टर की सबसे प्रीमियम रेंज जो एयरकॉनिक आती है, आज उसका हम ये रिव्यू कर रहे हैं। ये सबसे प्रीमियम सीरीज होती है अमेरिकन ट्रूस्टर के हार्ड लगेज में, प्रीमियम में से एक है ये हेलिकॉप्टर। ये देखिए, एकदम स्मूथ कलर, बहुत बेहतरीन है इसका। इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर रिपेलेंट जीपर, सुपर लाइट, डिजाइंड इन यूरोप। इसका जो डिज़ाइन है यूरोप में करा हुआ है, स्पेशली ये फ्लाइट्स में ज़्यादा काम आती है एयर ट्रेवलर्स के हिसाब से। अल्ट्रा लाइट वेट में बनी हुई है ये, इसका वजन काफ़ी कम है, काफ़ी लाइट वेट ट्रॉली बैग बना हुआ है ये। पूरा पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल में बना हुआ है, जो काफ़ी अनब्रेकेबल होता है ये, फ्लेक्सिबल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके ऊपर अगर अपन बैठ भी जाए, कहीं से गिर भी जाए, तो ब्रेक नहीं होती, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा। इसमें देखिए, इनबिल्ट फिटिंग TSA लॉक आता है इसमें, ये बिल्कुल इनबिल्ट फिटिंग है। जैसे आपने अदर ट्रॉली बैग्स कभी देखे हो तो उनमें ऊपर से दिखता है, जैसे ये देखिए आप, ये सब ऊपर से लगे हुए होते हैं। इसमें ये अंदर की तरफ फिट होता है, ऊपर से दिखता नहीं है, ये बॉडी के अंदर फिट होता है। और TSA लॉक दिया हुआ है, जो फ्लाइट्स में काम आता है, स्पेशली US में ज़्यादा काम आता है ये। जैसे ओपन हो जाता है ये, अब देखिए इसमें खासियत है, ये जो जिप दी हुई है ये आपको अदर किसी ट्रॉली में नहीं दिखती है। ये बिल्कुल रिवर्स जिप लगा रखी है, जिससे पानी अंदर नहीं जाता है इसमें। जैसे आप अदर ट्रॉली बैग्स में जिप देखेंगे ना, तो सब में इस टाइप की जिप्स आती है ये, जो आपको ऊपर से दिखती है। इसमें बिल्कुल रिवर्स लगी हुई है, जिसमें पानी अंदर जाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और ये बहुत ही रेयर आता है, ये सिर्फ इसी ट्रॉली में आता है। इसके आप ट्रॉली की फिटिंग देखिए आप, इतनी स्मूथ ट्रॉली है ये, चलाने में काफ़ी स्मूथ है, और जो मेटल इसमें यूज़ हुआ है काफ़ी स्मूथ है। इसका ये फिनिश बेहतरीन मटेरियल में ये बना हुआ है, इसका जो ट्रॉली सिस्टम है। और जो आप इसका हैंडल देखेंगे ना, तो कंपनी ने इसमें प्रॉपर अमेरिकन टूस्टर की बैजिंग करी हुई है यहाँ पर भी। ये आप ट्रॉली देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने यहाँ बैजिंग करी हुई है। बैजिंग आपको अधिकतर अमेरिकन टूस्टर के मॉडल्स में ही दिखती है। ये स्काईबैक्स के आप मॉडल लेते हैं तो उनमें हैंडल्स में नाम नहीं आता है, ट्रॉली पर भी नाम नहीं आता, पर अमेरिकन टूस्टर के मॉडल्स में स्पेशली यहाँ बैजिंग करी हुई आती है कंपनी की। जो साइड हैंडल दिया हुआ है देखिए आप, यहाँ पर भी इसमें कंपनी ने बैजिंग करी हुई है। और ये हैंडल बहुत थीन है ये जो हैंडल है, इसकी खासियत है अमेरिकन टूस्टर में प्रीमियम मॉडल्स में लगाता है, जो सैमसोनाइट की रेंज में आता है ये हैंडल। ये काफ़ी अलग ही टाइप का हैंडल है ये, जनरली हैंडल्स काफ़ी मोटे रहते हैं हार्ड लगेज में या किसी भी टाइप के लगेज में, हैंडल बहुत थीन है इसके, पर काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, इनमें कभी कंप्लेंट नहीं आती ब्रेक होने की, ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। अब इसके व्हील्स अपन देखते हैं, ये देखिए इसमें 8 व्हील सिस्टम दिया हुआ है, ये एक व्हील में डबल व्हील लगे हुए हैं, तो टोटली 8 व्हील हो जाते हैं। इससे स्मूथनेस काफ़ी बढ़ जाती है, आवाज़ भी कम आती है, और जब इसको आप 2 व्हील पे पीछे की तरफ चलाते हैं, सिर्फ लॉन्ग रन में, जैसे आप स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे चलते हैं, तो आप इसको पीछे की तरफ चलाते हैं अपने साथ, 360 डिग्री नहीं चलाते हैं, स्ट्रेट नहीं चलाते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ चलाने में ईजी रहता है, तो उसमें व्हील घिसाते नहीं है ये। जब अगर 8 व्हील होते हैं तो इनकी व्हील्स की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है 8 व्हील सिस्टम होने पर। ये व्हील काफ़ी अच्छे स्मूथ हैं इसके। ओपन कर, अब देखिए हम इसको ओपन करके दिखाएंगे आप, ऊपर से इसका फिनिश देखिए एक बार, इसका डिज़ाइनिंग कलर बहुत प्रीमियम है। इसका लुक देखिए आप, इसका जो मोनो दिया हुआ है ऊपर, इसका लुक बहुत अच्छा आता है, इसका प्रीमियम एकदम फील देती है ये ट्रॉली। ये देखिए, ये इसका अंदर से लुक है, काफ़ी सारी पॉकेट्स इसमें दे रखी है अलग अलग ऑर्गेनाइज़र के टाइप में। ये इसका एक तो कंपार्टमेंट हो जाता है पूरा इस तरफ, आप इस तरफ भी इसमें कपड़े रख सकते हैं, जैसा जनरली हार्ड लगेज में होता ही है, आप इस तरफ कपड़े रखते हैं और आधा सामान उस तरफ रखते हैं, तो ऐसा ही इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद आप इसको बंद कर लेते हैं जब, तो यहाँ एक वेट पाउच आता है, गीले कपड़े या गीला सामान कुछ रखना हो तो ये पूरा पैक हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गीला सामान रखने पर। फिर 2 ऑर्गेनाइज़र पॉकेट आती है, जहाँ अपन अपना वैनिटी का सामान रख सकते हैं, तेल, कंघा, शैम्पू रखने के हिसाब से 2 पॉकेट्स ही आती है इसमें। उसके बाद इसमें एक कवर दिया हुआ होता है, शू कवर टाइप इसमें रहता है ये, इसके साथ एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री आता है, एक कवर है पूरा, और साथ में इसके आता है कि ट्रॉली बैग का कवर। ये कवर कंपनी ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसके साथ, जो आप अपना ट्रेवल करके आ जाते हैं
उसके बाद इसको कवर करके रखने के लिए ये कंपनी ने कवर दिया है स्पेशली इसी ट्रॉली के लिए। ये देखिए आप, ये इसके ऊपर पूरा फिट हो जाएगा, काफ़ी अच्छे मटेरियल में बना हुआ है ये कवर। ये ट्रेवल के टाइम यूज़ करते समय लगाने का नहीं है, क्योंकि आप ट्रेवल के टाइम अगर लगाओगे तो आपने इतनी प्रीमियम जो ट्रॉली ली है तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि डिज़ाइन पूरा हिडन हो जाएगा। तो ये जब है जब आप ट्रेवल करके आ जाएँ, तो जब आपको अपने घर पर रखना होता है ट्रॉली बैग को, तो आप उस समय इसमें पैक करके रख सकते हैं, जिससे ये डस्ट से बचा रहेगा। तो उसके लिए कंपनी ने ये सेफ्टी एक दिया हुआ है, ये इसके साथ ही आता है। बाकी इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, काफ़ी लाइट वेटेड है, फैब्रिक पूरा इंटीरियर पॉलिस्टर फैब्रिक है ये। ये देखिए आप, थ्री ईयर की इसमें वारंटी आती है, पूरी वर्ल्ड वाइड वारंटी रहती है। फीचर लोडेड ट्रॉली है और ये काफ़ी पसंद आती है, इसका लुक काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है। इसकी जो ट्रॉली की जो फिटिंग है ना, ये बहुत अच्छी है अदर ट्रॉलीज के मुकाबले। ये जो इसका है, ये जब आप इसको इन करते हैं, जब आउट करते हैं, तो इसकी फिटिंग स्मूथनेस बहुत अच्छी है अदर के मुकाबले। ये आपको जब कंपनी पैसा लेती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वैसी चीज़ आपको बना के देती है ये। बहुत से लोग बोलते हैं कि इतनी महंगी क्यों है, वो तो जब वो यूज़ करते हैं ना, जो इस चीज़ को जानता है बारीकी से, उनको इजीली मालूम पड़ता है कि क्या अदर में फ़र्क है और क्या इसमें फ़र्क है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये प्रीमियम रेंज सेगमेंट में आता है, ये एयरकॉनिक मॉडल अमेरिकन ट्रूस्टर का। लाइट वेटेड है, अल्ट्रा लाइट वेट है ये, 2.7 kg कंपनी ने इसका वेट दे रखा है, और इस सेगमेंट का मीडियम साइज़ का। ये हमने जो आज अमेरिकन टूस्टर के एयरकॉनिक का जो आज ये रिव्यू आपको करके बताया है, ये एग्जैक्टली मीडियम साइज़ का हमने रिव्यू करा है। जो तीन साइज़ ट्रॉली बैग्स में आते हैं, उसमें ये मीडियम साइज़ का ट्रॉली बैग है। इसके डायमेंशंस हैं, ये 67 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, मतलब आप इंचेस में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 24-25 इंचेस की लेंथ हो जाती है। मीडियम साइज़ ट्रॉली बैग का हमने करा है, 67 सेंटीमीटर्स की लेंथ है। इसकी MRP है 9,050। ये लोअर डिस्काउंटेड मॉडल है, मतलब ये इस पर ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, कंपनी ने इसमें प्राइस ज़्यादा हाइक नहीं कर रखा है, इसलिए डिस्काउंट कम है। और प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल है, तो ये डिस्काउंट की वजह से सेल नहीं होता है। तो ये 6,800 का आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ता है ये। ये 3 ईयर ग्लोबल वारंटी आती है।